भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मेरी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रामेश्वर शर्मा जी, बहन कृष्णा गौर जी, बहन मालती राय जी हमारी मेयर, भाई आलोक शर्मा जी हमारे भोपाल उत्तर के उम्मीदवार, भाई ध्रुव नारायण सिंह जी भोपाल मध्य के उम्मीदवार, हमारे किशन जी, राम जी, दिल्ली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित जी और उपस्थित सभी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। आज भी दो यात्राएं फिर रवाना होनी है, श्रद्धेय अमित शाह की मंडला और श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्राओं को प्रारंभ करेंगे और हम लोग भी वहां जाने वाले हैं। लेकिन मुझे बता चुकी खुशी है कि जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था, जिस मध्य प्रदेश का कांग्रेस की सरकार ने बंटा ढार कर दिया था, उस मध्य प्रदेश को विकसित बना के देश की अग्रपथ में ले जाके हमने खड़ा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया है। उपलब्धियां अनेक हैं, हमारी ड्यूटी है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जनता को हम ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए हमने कौन कौन से काम किए, और ये बताने के लिए हमारी ये विकास रथ जो सरकार की उपलब्धियां, हमारा रिपोर्ट कार्ड जो माननीय अमित शाह जी ने जारी किया था, उसको जनता के सामने रखेंगे। ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया है उसको मुझे अब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। सड़कें हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था की प्रगति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली का प्रबंध हो, हर क्षेत्र में शहर का विकास, गांव का विकास, फसलों का उत्पादन, मध्य प्रदेश में आने वाला निवेश, अभी 14 तारीख के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की बीना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल उत्पाद बिना रिफाइनरी के पास हो रहा है। और केवल 50,000 करोड़ का नहीं, मुझे बता दो प्रसन्नता है कि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से लगा के मध्य प्रदेश में जो निवेश हो रहे हैं उनमें 1.5 लाख करोड़ के निवेश और होने वाले और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे अनेकों काम है हमारे जो जनता के बीच हम रख रहे हैं और हमारी ये रथ उन कामों को जनता के बीच ले जाके बताएंगे। आज उन रथ को हम रवाना कर रहे हैं जनता के बीच। जनता से यही प्रार्थना है कि हमने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रयत्नों की परिसीमा की है और आज मध्य प्रदेश को यहां तक लेके आए हैं और आपकी सेवा के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और इन रथ में हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हम आपको दिखाने का, आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। जरूर इन रथ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरी झंडी दिखाकर अब इन विकास रथों को यहां से रवाना कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आलोक शर्मा जी, ध्रुव नारायण सिंह जी, महापौर मालती राय जी, कृष्णा गौर जी, विधायक, ये सभी यहाँ उपस्थित हैं और ये सब अब फिल्में विकास की वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, गीतों के माध्यम से
मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का उत्तर दिया जाएगा और 127 रथ पूरे प्रदेश में यहां से सांकेतिक तौर पर कुछ रथ रवाना किए जा रहे हैं और इस विकास की यात्रा में आम जनता का सीधा जुड़ाव रहेगा। हम विकास किया है, विकास करेंगे। विकास और गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सबसे महत्वपूर्ण